हमने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको क्या बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, सिर्फ ए डॉट बी का मान कितना था, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना था हमारा, ए बी कॉस थीटा। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका मान कितना था हमारा, ए बी साइन थीटा। ओके, ये हमारा था मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए आपको मेरा हाथ का मूवमेंट देखना है। एक पेन और निकाल देता हूं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए दिख रहा होगा, ये वो वेक्टर दो हमारा ग्रीन कलर का पेन है, वो है वेक्टर ए। ये वो हमारा वेक्टर बी, दो ब्लैक कलर का पेन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक ग्रीन है एक ब्लैक है। तो ग्रीन हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी। तो हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस बी, ये हुआ वेक्टर ए। अपने हाथ को घुमाएंगे तो मेरा हाथ क्या ऐसे घूम सकता है, ऐसे टूट जाएगा। ओके, हम अपने हाथ को ऐसे ही घुमा सकते हैं। तो हमारा हाथ किधर हुआ, अंगूठा ऊपर के तरफ हुआ। तो ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब बी क्रॉस ए चाहिए, ए हुआ वेक्टर बी, ए हुआ वेक्टर ए। तो बी क्रॉस ए नीचे, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे होगा, ए क्रॉस बी का ऊपर होगा। तो देखिए अपने हाथ को अगर इस तरह से मोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये हुआ हमारा हाथ का आगे का पोर्शन, ये हुआ हमारा हाथ का पीछे का पोर्शन। तो हम अपने हाथ को जो है हाइपर एक्सटेंड नहीं कर सकते, हमारा हाथ जो इस तरह से भर है उसको हम हाइपर एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम इसको हाथ को सिर्फ फ्लेक्स कर सकते हैं। ओके, हाथ को फ्लेक्स कर सकते हैं। तो हमारा फ्लेक्शन किधर है, आगे की तरफ है। तो ए क्रॉस बी किधर होगा, ऊपर की तरफ, और बी क्रॉस से नीचे की तरफ। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर कहीं पे भी बी डॉट करके इस तरह से लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या हो, पेपर के ऊपर। अब पेपर प्लेन, पेपर का जो प्लेन है उसके ये ऊपर की कहानी है। अब कहीं पे भी क्रॉस है मतलब क्या है, बिलो पेपर। ये वो हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये वो टर्न का रिकैप हुआ। आज भी हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग वे में पढ़ना। ओके, तो पहला क्या था, हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। अब कुछ अलग फॉर्म दे रहेगा, ओके, अनदर फॉर्म। अभी तक सिर्फ थ्योरी है और हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा थ्योरी खत्म हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देखो, अगर वेक्टर ए का मान आपके पास हो ए एक्स आई ए वाई जे और ए डेड के, ठीक है, और वेक्टर बी का मान हो कितना आपके पास, बी एक्स आई बी वाई जे और बी डेट के। ओके, अब यहाँ पे दो चीज पूछेगा, एक पूछेगा डॉट प्रोडक्ट, एक पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, दो चीज चाहिए, तो दोनों को हम एक बार में नहीं ना पढ़ सकते हैं, एक बार में एक ही चीज ना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको पढ़े, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, और जहां पे कोई आपको एक चीज पूछ रहा है तो वो आसान तो होगा ही, और जहां पे दो चीज पूछेगा वो भी आसान होगा, बस प्रैक्टिस होना चाहिए।
आसान सब होता है, बस प्रैक्टिकल होती है। तो लिखिए आपका डॉट प्रोडक्ट, पहले स्टोरी आते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए का मान है ए एक्स आई ए वाई जे ए डेट के, और वेक्टर बी का मान है बी एक्स आई बी वाई जे और बी डेट के। तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा, तो इसको प्रूफ करेंगे डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला बताएं, प्रूफ कर दें, कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स को उठाएंगे और ए एक्स को जो है बी सबसे गुना करेंगे, बी एक्स बी बाय और बी डेट, ओके एक ही बार बताना पड़ेगा कि आपको पता होगा लेकिन आप भूल गए, ए एक्स आई बी एक्स आई एक्स आई बी बाई जे और प्लस एक्स आई बी जेड के, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा आते हैं बी ए बाई को उठाते हैं, ए बाई को बी एक्स से बी बाई से और बी जेड से तीनों से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, बी एक्स आई ए वाई जे, सही है, ए बाई जे बी वाई जे, ओके और ए वाई जे और बी जेड के, ओके तो हमारा ए स्टोरी भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए डेट, तो अब ए डेट को भी तीनों से गुणा करना पड़ेगा हमको, ओके तो जब हम ए डेट को तीनों से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, ए डेट के ए एक्स आई ए डेट के बी बाई डे और ए डेट के और बी डेट के, इसमें किसी को दिक्कत, और कर्ण आपको पढ़ाया है, कर्ण मतलब पोर्शन, कर्ण नहीं मतलब परसों जो है रिवाइज किए थे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का मान कितना होता है, वन होता है, वेक्टर जे डॉट का मान कितना होता है, वन होता है, वेक्टर के डॉट का मान कितना होता है, वन होता है, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे का मान कितना होता है, जीरो होता है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर के का मान कितना होता है, जीरो होता है, वेक्टर आई के डॉट वेक्टर आई का डॉट का मान जीरो होता है। एक कर्ण का पोर्शन याद है कि भूल गए, कर्ण परसों मतलब प्रीवियस डे, घर पर जाकर के आपने इसको पढ़ा है, रिवाइज क्या है, अगर आप लोग कहेंगे नहीं हम लोग तो घर पे जाते नहीं, घर पे रहते हैं, जाएंगे कहाँ, ओके स्कूल में क्या करते, घर पे जाके पढ़े हो, कहता है कि कहीं जाने के लिए कहीं से आना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोर्शन का मंदिर होगा, यहाँ पे हमारा कौन सा पोर्शन का मंदिर होगा, ये दो पोर्शन है, ये दो पोर्शन है, ये सबका मान कितना होगा हमारा, जीरो, इसमें कितना कौन सा होगा, ए पोर्शन और ए पोर्शन का मान जीरो, और इसमें जो होता है ए दोनों पोर्शन का मान जीरो, और आई डॉट आई वन डे डॉट डे वन के डॉट के वन, तो जो आपका वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए डेट
बी दे। तो जब भी आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, यह फॉर्मूला याद रखना है, पूरा उसको नहीं बनाना है एग्जाम में। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। वॉट इज ये एक्स डी एक्स ए बाय बी बाय ए डेट बी डेट, इस पे एक क्वेश्चन करने क्या। अगर वेक्टर ए का मान होगा 3i प्लस 4j प्लस 7k और वेक्टर बी का मान होगा 4i माइनस 3j प्लस 1k, तो आपको बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका मान कितना होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा, चारिया बारह, चारिया माइनस बारह, साठ इंटू वन साठ, आपका मान कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। वेक्टर ए का मान आपके पास है 6i प्लस 8j और वेक्टर बी का मान है आपके पास 10k, आपको बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा, एनीवन? वो नहीं बता सकता क्या। वेक्टर आई का मान है 6i प्लस 8j प्लस 0k और वेक्टर बी का मान कितना है हमारा, 0i 0j प्लस 10k। ओके, तो 6 इंटू 0 कितना हुआ 0, 8 इंटू 0 कितना हुआ 0 और 10 इंटू 0 कितना हुआ 0, आपका आंसर कितना हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आगे दूसरा क्वेश्चन दे आते बन जाएगा। वेक्टर ए का मान है आपके पास 10i प्लस 30 दे प्लस 50k, वेक्टर बी का मान है 4i प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे माइनस दे प्लस 2k, आपको बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा। बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 10 टका 40, 30 इंटू 1 माइनस 30, 50 इंटू 2 100, आपका मान कितना हो गया 110। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे डॉट प्रोडक्ट। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
देता हूँ, आपके पास दिया हुआ होगा वेक्टर ए का मान एक्स आई ए वाई दे प्लस ए दे थे, और वेक्टर बी का मान कितना होगा आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई दे प्लस बी दे थे। ओके, आपसे पूछेगा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे यहाँ से क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और यहाँ से हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, हमने क्या किया मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो यहां से हमारा जो कॉस थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा एक्स बी बी एक्स ए बाई बी बाई प्लस ए डेट बी डेट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, ए हुआ हमारा कि किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल निकल जाएगा, इसको हम क्वेश्चन समझते हैं। वेक्टर ए का मान दिया हुआ आपके पास है 3i plus 4 then. Okay. और वेक्टर बी का मान दिया हुआ होगा 4i plus 3 then. तो आपसे पूछेगा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना होगा 4 किया 12 डिवाइड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5। ओके, 5 × 5 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 ना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 कर लीजिएगा, उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपका मान कितना आएगा 24/25 कॉस थीटा का मान 24/25 आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सीधा पर थीटा का मान कितना लिखिएगा कॉस इनवर्स 24/25। मैथमेटिक्स में ऐसे ही लिखते हैं ना, cos थीटा का मान 24/25 आएगा तो हमारा थीटा का मान कितना होगा cos इनवर्स 24/25। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी cos थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो 1 से ज्यादा हुआ मतलब इसका मतलब क्या है आपका आंसर गलत है। cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो पहला एप्लीकेशन है क्या कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या करना है एंगल निकालना।
ओके, और इसका दूसरा एप्लीकेशन देखिए। अब देखिए, अगर कोई भी चीज कहेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, ओके, अगर दो वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ होगा तो आपको निकालना होगा कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो बताइए कि दो दो वेक्टर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा। जैसे कि मानते हैं कि वेक्टर ए का मान है आपका एक्स आई प्लस ए वाई दे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी का मान होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई दे प्लस बी जेड के। तो आपको कहेगा कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या बताना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दैट इज गिवन, वेक्टर विच इज नॉट गिवन आस्किंग, विच इज नॉट गिवन और इसमें से कौन सा नहीं दिया हुआ है, आपने से क्या पूछ रहा है। ओके, यह जो हम चीज बताए हैं इससे आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार बस ये बताते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पे जीरो होता है, तो वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना होगा, जीरो होगा। और हम सीधे लिखेंगे कि एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू जीरो। ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन आप लेके आता है कि वेक्टर ए का मान दिया हुआ है आपके पास 4i 3j प्लस 7k, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ रहेगा कुछ भी 7i xj प्लस 3k। ओके, इस टाइप का दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी का, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमको x का मान चाहिए अगर वेक्टर a और वेक्टर b का मान दोनों दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारा वेक्टर a जो होता है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर b का, तो हमको क्या समझना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान कितना होगा, जीरो। तो क्या लिखेंगे, 60 का 28 एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, और दो इसका मान कितना 21 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 21 कितना होगा, माइनस 21 और माइनस 28 कितना होगा, 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 2 4। तो एक समान यहाँ कितना हो गया, माइनस 49 बाई 3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, बन जाएगा। अब ना के देखें कि वेक्टर ए का मान दिया होगा 4i प्लस एक दे माइनस 3k, और वेक्टर बी का मान दिया रहेगा 7i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, कुछ भी दिया रहेगा और कहेगा कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमको एक्स का वैल्यू चाहिए
अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे सिंपल सा बात कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जीरो होगा। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जीरो होगा तो हमारा मान कितना होगा, 60 तक 28 प्लस 4x 5 दिया 15 सही है इज इक्वल टू जीरो। आपका मान कितना आ गया, 4x का मान कितना हो गया 28 प्लस 15। आपका मान कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 माइनस 13। x का मान कितना होगा आपका, -13/4। यहाँ तक कोई दिक्कत, हेमन गौरव यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े? यस सर। अब लिखिए दी दो न्यूटन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक टाइम है ना हमारे पास अभी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना। ए वा एक्स एक्सिस, ए वा वाई एक्सिस, ओके। ए हुआ हमारा वेक्टर ए, ए हुआ एंगल थीटा, ओके। तो इसका वैल्यू इधर कितना होगा, ए कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना होगा हमारा, बी सॉरी sin theta, ओके। तो हम वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ए cos theta और ए sin theta, दो चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, along x axis, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा हमारा, ए कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर हमारे हम लिखते हैं इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनोंग बाय एक्सिस, तो बाय एक्सिस की तरफ कितना होगा हमारा वैल्यू, ए sin थीटा। अगर एक तरफ होता है ए cos थीटा तो एक तरफ होगा sin ए sin थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एनोंग बाय एक्सिस। अब बात करते हैं हमारे पास दो चीजें हैं, ए वो एक्स एक्सिस, ए वो बाय एक्सिस, ठीक है, दो चीजें। ए हुआ वेक्टर ए, ए हुआ वेक्टर बी, ए हुआ थीटा, ठीक है। तो जब बी को तोड़ेंगे ए के तरफ, हमने क्या किया,
कि वेक्टर बी को हम तोड़ दिए एक तरफ, तो उसका वैल्यू कितना होगा, बी कॉस थीटा। ओके, तो बी कॉस थीटा क्या है, व्हाट इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए कितना आपका, बी कॉस थीटा। इसी का दस रिवर्स करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, और ये हुआ आपका वेक्टर बी आपका वेक्टर ए, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो वेक्टर ए को जब बी के तरफ तोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो व्हाट इज ए कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो हमें दो चीज मालूम चल गया कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए कितना होगा, बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो हम इसका हिंदी हिंदी में अर्थ समझें, ए बी के तरफ, इसमें क्या है ए बी के तरफ, मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के तरफ, इसमें क्या समझेंगे, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के तरफ, ए आपका हो गया हिंदी में। तो कोई भी चीज अगर आप हिंदी से मगी से भोजपुरी में सीखिएगा तो उदाहरण दिन तक याद रहेगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि वो आपका जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें अडेप्टेशन बहुत ज्यादा होता है। बड़े छोरी कितनी भी ज्यादा क्यों नहीं दी गई, वो कितना भी अच्छा क्यों दिया गया, वो हिंदी में समझ ज्यादा आएगा हम लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम अभी क्या पढ़े थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा का मान कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो आपका जो बी कॉस थीटा होगा उसका मान कितना होगा हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो अभी अभी हम निकालें कि ए कॉस थीटा क्या आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो हम याद नहीं सकते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और दूसरा हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। एक हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, एक हो गया बी अलोंग ए, दोनों का फॉर्मूला ए आ गया। आइए, तो ये आपका कौन सा चीज है, ये आपका स्कैलर चीज है कि वेक्टर चीज है, ये दोनों आपका स्कैलर क्वांटिटी है। ओके, और अगर इसका वेक्टर क्वांटिटी का हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, तो दिधर होता है उसका यूनिट वेक्टर कितना करते हैं। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी कितना होगा, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। उसी प्रकार से यहां पर लिखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो हमारा ए के तरफ का इसका वैल्यू कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसका और कंसेप्ट है वो कन बात करते हैं इस पर, ठीक है।
आज कहीं इतने रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत